लोग ना ऐसे मौसम को देखकर भी घबरा जाते हैं कि वो भी 5-6 साल पहले यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ था, इस पर काम चल रहा है। दरअसल हो क्या रहा है, बीच बीच में बारिश भी हो रही है। हे गाइस, क्या हाल है सभी के, आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूँ रोहित, सो वेलकम बैक टू द वीडियो। सो गाइस, नैनीताल से रिलेटेड ना भ्रामक खबरें आ रही हैं कि नैनीताल आना सेफ बिल्कुल भी नहीं है, लैंडस्लाइड हो गई है, पहाड़ गिर गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, आओगे फंस जाओगे। तो आई थॉट भाई इस पर एक वीडियो बनाने चाहिए और ग्राउंड जीरो से आखिर क्या हाल हो रहा है शहर का वो बताना जरूरी हो गया है। चलिए इस पर बात करते हैं, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तल्लीताल वाले एरिया में हूँ मैं अभी और सामने ही रहा आर्मी रिक्रूट सेंटर। आज की तारीख की बात कर रहे हैं तो 13 अगस्त है, शाम का समय है करीब, अब तो बात करते हैं तो 4:30 हो गया है। तो बढ़िया मौसम हो रहा है शहर का एकदम, और भाई बादल कितने प्यारे लग रहे हैं ना, और भाई नैना पिक पहाड़ के अद्भुत लग रहा है, नैनीताल शहर की सबसे ऊंची चोटी सामने वाला पहाड़। व्यूअर्स मुझसे ये बोल रहे थे कि हमने इंस्टा पर देखा, हमने यूट्यूब पे देखा, बहुत सी न्यूज़ स्प्रेड हो रही है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हो गई है तो रास्ते बंद हो गए हैं, या यहाँ का एक पहाड़ है वो जो गिर गया है उसके वजह से नैनीताल शहर आना खासकर सेफ है नहीं। तो गाइस ऐसा तो कुछ नहीं है यार, मैं तो मॉल रोड में आराम से घूम रहा हूँ, यहाँ मुझे इतने ज़्यादा टूरिस्ट दिख रहे हैं, मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत दिखी नहीं अभी तक। हाँ, यहाँ पर बीते दिनों में लैंडस्लाइड हुई है, लेकिन जो लैंडस्लाइड हुए वो टिफिन टॉप पहाड़ जो कि इधर कहीं ऊपर है वहाँ पर, को एक छोटा हिस्सा जो कि दौड़ती सीट नाम से था वो गिर गया है, सिर्फ उतना ही हुआ है। पूरे नैनीताल शहर को कोई भी दिक्कत नहीं है। दरअसल हो क्या रहा है, बीच बीच में बारिश भी हो रही है, तो लोग खबर डाल दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर ऐसी बारिश हुई है कि अब आना सेफ नहीं है, लैंडस्लाइड हो गई है बहुत ज़्यादा, आप लोग आ रहे हो फंस जाओगे। लेकिन ऐसा भाई कुछ नहीं है, देखो अभी ये तो अचानक से कोहरा आ गया है, ये मत सोचना मेरा लेंस में धुंध हो गई है, ये सामने एकदम बहुत ज़्यादा कोहरा आ गया है। सो भाई सेफ है यार, टाउन में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आप लोग आओगे आराम से यहाँ पर बेफिक्र होकर घूम सकते हो। एक वीडियो में और देख रहा था, उसमें वो भाई साहब बोल रहे थे कि नैनीताल खतरे में बहुत ज़्यादा है, इसका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव बन गया है, जितना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके चलते आने वाले सालों में नैनीताल ख़त्म हो जाएगा। गाइज लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, माँ नैना देवी की कृपा इस शहर पर है और ये शहर है और हमेशा रहेगा। हाँ, कंस्ट्रक्शन एक इशू है जो कि प्रेजेंट में अब नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भाई पूरा मतलब काबू पा रखा है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जिस तरीके से मतलब 3-4 साल पहले बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा था जो कि अब नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हर चीज़ों पर लगाम है और शहर सुरक्षित है, भविष्य में भी टाउन सेफ ही रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं पर्सनली गाइस मैं वीडियो के माध्यम से मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ, जब जून जुलाई के टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है तो मैं खुद ही बोलता हूँ कि भाई लिमिटेशंस होने चाहिए, लिमिट होने चाहिए टूरिस्ट के आने की। बहुत से लोग नाराज़ भी हो जाते हैं यार मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ, कि मैं विकास विरोधी हूँ, और लोग बोलते हैं कि ये जो ये चाह ही नहीं रहा है कि टाउन में टूरिस्ट आए। लेकिन गाइज मेरा वो फोकस नहीं है, मेरा फोकस है इस शहर को आने वाले नौनी हालों तक को दिखाना, जो भविष्य में लोग आएंगे यार शहर वो भी तो देखना चाहेंगे ना कि नैनीताल शहर कैसा है। तो अगर हम आज प्रेजेंट में सही कदम उठाएंगे तभी तो इस शहर को हम सेफ रख पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है गाइज, उसने ओवर कंस्ट्रक्शन जो हो रहा था वो लगभग लगभग रोक ही दिया है, अब यहाँ पर इतना ज़्यादा ओवर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। अब जो समय है चीज़ों पर अगर काम करने का वो है टूरिज्म को लेकर, सही आइडियाज़ कि क्या करा जाए भविष्य में। अब जो काम होना ज़रूरी है वो है टूरिज्म को लेकर, कि किस तरीके से गाइडलाइंस बनाई जाएंगी भविष्य में, कितना टूरिस्ट आना चाहिए पीक सीज़न में, क्योंकि बीते सालों में जिस तरीके से लोगों का रुझान बढ़ गया है ना नैनीताल शहर मतलब आने का, तो उसको लेकर कुछ ना कुछ तो प्रॉपर गाइडलाइंस होनी ज़रूरी है गाइस। सीज़न में यहाँ की हालत खस्ता हो जाती है, जितने टूरिस्ट आते हैं सीज़न के टाइम वो खुद इंजॉय नहीं कर पाते हैं, आप हिल स्टेशन आ रहे हो इंजॉय ना कर पाओ तो फिर यूज़लेस ही है ना यार वो। और क्या होता है भाई, इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाती है शहर में, उससे क्या है टूरिस्ट से लेकर लोकल जो हैं भाई उनको तक इफ़ेक्ट पड़ता है यार, आने जाने में इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है ना। तो खैर फार फ्यूचर में ये चीज़ें सॉल्व होंगी। लोग ना ऐसे मौसम को देखकर भी घबरा जाते हैं कि ओ भाई वहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, विजिबिलिटी जीरो है भाई, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन देखा जाए ये नैनीताल शहर में ना
अगस्त के टाइम पे इस टाइप का मौसम रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं लंडन फॉग। जो एक कोहरा आ रहा है ये 5 मिनट में आ रहा है, 5 मिनट में चला जा रहा है, ये आता जाता रहेगा कोहरा। और जो टिफिन टॉप में लैंडस्लाइड हुआ है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की यहाँ से, क्योंकि एक हिस्सा दिख रहा है सामने पहाड़ पर जहाँ पर को लैंडस्लाइड हुआ है, और यहाँ से भाई वो इलाका ही 5 किलोमीटर दूर है, ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना दूर है जहाँ पर को लैंडस्लाइड हुआ हुआ है। ये तो खैर पूरा ठंडी सड़क वाला इलाका है, 5-6 साल पहले यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ था, इस पर काम चल रहा है। और जो टिफिन टॉप वाला है मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके, सो ये दिख रहा है, ये अब थोड़ा बेटर विजुअल मिल रहा हो होप। सो ये रहा भाई टिफिन टॉप, ये जो वाइट वाइट सा दिख रहा है ना, वहाँ पर को पहाड़ गिरा हुआ है, उतना ही है बस, उतना ही लैंडस्लाइड हुआ है। और पूरा टाउन जो है गाइस, पूरा टाउन सेफ है, टाउन में कुछ नहीं हुआ है। साथ ही साथ एक चीज़ बता दूं भाई, आज तक कुछ नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि बरसातों का मौसम चल रहा है और सितंबर तक यहाँ पर बारिश ही रहती है, बारिश में लैंडस्लाइड की खबरें आते रहती हैं, वो नॉर्मल बात है पहाड़ पर। नैनीताल शहर की अगर हम बात करें ना भाई, हल्द्वानी से ये सिर्फ और सिर्फ कितना 30-40 किलोमीटर्स है बस, और रास्ते भी सेफ हैं। अगर लैंडस्लाइड होती भी है तो रोड साफ कर दी जाती है, कोई भाई मेजर ऐसा नहीं आया कि भाई भयानक तरीके से लैंडस्लाइड आ गई, सड़कें बंद हो गई। यहाँ से उतनी तेज लेके गाड़ी जाए गाड़ी यार, तो आने जाने भी नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है गाइस, सेफ है टाउन में आना, मैं दोबारा कह रहा हूँ। रात बजने वाला है और आज अगर बारिश की बात करें ना, तो दिन में थोड़ी बहुत बारिश हुई है, मुश्किल से 15-20 मिनट की, तभी आपको हल्की हल्की सी ये सड़कें जो हैं गीली दिख रही होंगी। बाकी भाई पूरा हफ्ता ही बीच बीच में बारिश बता ही रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी दिन बहुत सही मौसम है, किसी दिन बहुत ज़्यादा ख़राब है, वही 40%, 50%, किस दिन 80% बारिश बता रहा है ये गूगल वेदर के हिसाब से। तो अभी तो खैर बारिश रहेगी यार कुछ दिनों और। आप लोग नैनीताल शहर आने का प्लान कर रहे हो और आपको बिल्कुल भी बारिश नहीं चाहिए, तो उनको तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अक्टूबर के टाइम पे आना, वही 10 अक्टूबर के बाद आओगे ना, तब तो मौसम भी अच्छा हो जाता है और यहाँ पर आपको रामला भी देखने को मिल जाएगी, हमारी कुमाऊनी रामला बड़ी फेमस है। सो अक्टूबर का टाइम बहुत अच्छा रहता है नैनीताल शहर में घूमने के लिए। तो गाइस घर आ गया हूँ और घर आकर बनाना है मुझे क्राफ्ट, त्रिशा के लिए मांग टीका बना रहा हूँ। ये सूख गया नहीं, सूख गया, अब देखना पड़ेगा मुझे, नहीं सूखा है यार ये तृष्णा अभी तक नहीं सूखा है यार, मुझे लग रहा था सूख गया है। फोन को यार स्टेपल करना पड़ा है, कल इसका प्रोग्राम है तृष्णा का और मांग टीका बना रहा हूँ उसका मैं, यही होता है यार, वो तो कहाँ खेलने में लगी पड़ी है अपना, उसे कोई मतलब नहीं है, काम हमें ही करना पड़ता है घूम फिर के। चलो ठीक हो गया गाइस, मैंने खैर आज का तो बता ही दिया है क्या है शहर में, और आना सेफ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सो आप लोग आने का प्लान कर रहे हो तो बेफिक्र होकर आना गाइस, सो बाकी अगर कुछ होगा तो मैं बता ही दूंगा, अगर फार फ्यूचर में भविष्य में ऐसा कुछ होता है कि मत आओ तो मैं खैर पहले ही बता देता हूँ। तो खैर सेफ है, ग्राउंड जीरो से आज हमने पूरा देखा कि क्या हो रहा है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। एट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो, जो भी करो दबाना जरूर। सो मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए टरा।